दरभंगा में सालों के इंतजार के बाद 21 दरोगा का इंस्पेक्टर में प्रमोशन। दरभंगा में बिहार के डीजीपी के पहल और बिहार सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के तहत मिथिला क्षेत्र आईजी कार्यालय में पुलिस विभाग के 21 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन हुआ। इस अवसर पर प्रमोशन दिए गए दरोगा को स्टार लगाने के लिए दरभंगा एसएसपी कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी ललन मोहन प्रसाद ने सभी 21 दरोगा को स्टार लगाकर प्रमोशन दिया और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन इसी तरह से आगे भी करते रहें। स्टार लगते ही सभी इंस्पेक्टर बने अधिकारी काफी खुश दिखे। वहीं पुलिसकर्मियों ने डीजीपी का धन्यवाद विज्ञापन अर्पित कर कहा कि पिछले 4 सालों से यह प्रमोशन 4 रुका हुआ था, लेकिन आज डीजीपी साहब की वजह से ये सभी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी आ गई है और यह बहुत बड़ी बात है। सर, एक सवाल है, इस तरह के प्रमोशन से पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनके मनोबल कितने हाई होते हैं और उनको काम करने की रुचि और कितनी बहुत होते हैं? और हम तो चाहेंगे कि ये बात उन लोग से आप पूछिए, उनको कैसा फील हो रहा है। अच्छा सर, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों की ख्वाहिश है कि सरकार की तरफ से हम लोगों को इंस्पेक्टर को 3 स्टार मिल जाता तो उनको और खुशी होती। ये विचार के लिए दिया जा सकता है सर, क्योंकि डीएसपी का रैंक में 3 स्टार और ब्लू कोड होता है जी, तो उससे मैच कर जाएगा। मोशन लंबित है कई वर्षों से, डीजीपी सर की पहल से उसमें बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो लोग हैं एलिजिबल थे प्रमोशन के लिए उनको कार्यकारी पदभार देने के लिए जो अगला पद है उस पर, और उसी क्रम में दरभंगा जिला में कुल 21 इंस्पेक्टर्स प्रमोट हुए हैं और एएसआईज और सब इंस्पेक्टर्स भी प्रमोट हुए हैं। उसमें कुछ एएसआईज और एएसआईज का हम लोगों ने कुकिंग सेरेमनी कुछ दिन पहले किया था, कुछ लोग किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाए थे उस दिन, तो उन लोगों को आज कुकिंग सेरेमनी की गई है और जो इंस्पेक्टर पद पर जिनको कार्यकारी पदभार दिया गया है, निश्चित रूप से जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो डिजर्विंग थे, जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, अगर किसी को प्रमोशन मिलता है। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।